सुप्रभात बहनों, क्लास षष्ठ। आज कल आपका हिंदी में पाठ 6 पार नज़र के चल रहा है। उसमें मैंने आपको कल कठिन शब्द और उनका अर्थ बताया था। आशा है आपने उसे सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में किया होगा। आज मैं आपको उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। जहाँ पर शब्द अर्थ पूरे हो गए हैं, ठीक उसी के नीचे से आप सब प्रश्नोत्तर लिखेंगी, जिसका पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था, इसका उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। इसका उत्तर है, सुरंग के रास्ते से सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। सुरंग के रास्ते से सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। पूर्णविराम, वहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो अति संवेदनशील थे। पूर्णविराम, ये रास्ता जमीन के ऊपर जाता था। यहाँ जाने के लिए खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अब प्रश्न नंबर तीन है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। इसका उत्तर है, कंट्रोल रूम में छोटू ने कंसोल पैनल देखा। वहाँ उसने कंसोल पर लगा बटन दबा दिया, जिससे यान के यांत्रिक हाथ की हरकत बंद हो गई। अब है प्रश्न नंबर चार है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, यह वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। इसका उत्तर है, कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी कभी आम जनजीवन रहता था। पूर्णविराम, धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा और सब कुछ नष्ट हो गया। ये परिवर्तन सूरज के कारण हुए। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पूर्णविराम, आज इतना ही है। आप इसे ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।